आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। रोक के दिखाना, स्टॉप करो जरा, कैसे करोगे स्टॉप? कैसे रोकोगे? कैसे रोकोगे? शरीर के बैलेंस से रोका। अच्छा बेटे एक बात बताओ, ये शूज आपने कहाँ से लेके आए आप? ये कौन लेके आया था इनको? डैडी लेके आए थे। कौन लेके आया था बेटा? अच्छा भाई के यहाँ। भाई कहीं स्कूल में जाता कहीं स्केटिंग का सीखता हो? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अभी छुट्टी है आपकी, पेपर हो गया आपके? क्या नाम है आपका? चिराग है। कौन से स्कूल में जाते हो? हाँ जी संध्या है। स्कूल का नाम क्या आपके? जोर से बताओ बेटा। ठीक है बेटा, तो टीचर तो कोई सिखाने वाला तो नहीं आपको इसमें ना, आप खुद सीख रहे हो ना? तो आप पिछले रहकर हम बहुत दम थे। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि बच्चा ये छोटा है, मतलब कि स्केटिंग सीखने का इसमें क्रेज है, लेकिन इसके पास कोई टीचर नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी जो है बैलेंस को बनाए हुए हैं। और गाँव के लोगों की, लड़कों की जो है ना खास विशेषता ये होती है कि वो खुद ना किसी को कॉपी करने में जो है ना माहिर होते हैं वो। और इस तरह से ये बच्चा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चा जो है बिना किसी टीचर के, बिना किसी ट्यूटर के जो है ये स्केटिंग सीख रहा है। और देख सकते हैं यहाँ पर चोट तो नहीं बेटे आपको कहीं लगी कभी? चोट तो लगी कभी स्केटिंग सीखते हुए? ये लगी चोट थोड़ी बहुत? घबरा रहा है बच्चा, डर लग रहा है बेटा? चुप क्यों हुआ फिर आप? क्या नाम बताया था आपने? चिराग। चिराग, चोट तो नहीं बेटा कभी लगी आपको? चोट तो लगी कभी? लगी कभी इस बात पे? तो देख सकते हैं छोटा सा बच्चा है और स्केटिंग से कहीं शूज़ ये लेके आया। देख सकते हैं ये दो मेल के शूज़ हैं, स्केटिंग का सीखने का जो है इसका जो है मतलब चाव है इसका, और ये इसको पूरा करने के लिए अपने सपने को ये जो है यहाँ पे स्केटिंग सीख रहा है। और ये गांव की गली में ही, आप देख सकते हैं गाँव की गली में स्केटिंग सीख रहा है यहाँ पे ये। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, हरियाणा के वासी हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग 7X हरियाणा।